पांच चला मैं हूं फिरोज हाशमी, आप देख रहे प्रहार टाइम्स। इस वक्त हम मुंब्रा में मौजूद हैं और देश में जो जिस तरह से बीमारी का जो वायरस का जो बात चल रही है, काफ़ी दिनों से जो चर्चाएं हैं, जो दहशत फैला दिया है वायरस, जो कोरोना वायरस जिसको बोलते हैं, पूरे देश में दहशत फैला दिया है। और यहां तक ये कोरोना वायरस चाइना से निकला, कई हज़ारों लोगों की मौत हो चुकी है, जो सरकारी आंकड़े हैं लगभग 3000 के पार कर चुके हैं। और ऐसे अगर आंकड़ों की बात करें तो 50,000 से ज़्यादा पार कर चुके हैं जिनकी मौतें हो चुकी हैं चाइना में। लेकिन अब इसका असर जो है मुंबई में, महाराष्ट्र में, और जो है आपको जो है दिल्ली में, बहुत सारी जगह, कोल्हापुर, ऐसे तमाम शहर हैं जहाँ पर इसका दहशत देखने को मिल रहा है। लोगों में जो दहशत है आज, उसी को लेकर हम माहौल क्या है जानने के लिए निकले हैं। इस वक्त हम जो है एक मटन शॉप पर हैं, जो चिकन बेच रहे हैं। यहाँ पर लाइन से जो है कतारें लगी हुई हैं। ये दरगाह रोड है, यहाँ पर जो है चिकन का जो है काफ़ी दुकानें हैं। और इनसे हम जानते हैं पहले में और अब में क्या फ़र्क है, ग्राहक जो है क्यों नहीं आ रहे हैं या आ रहे हैं तो किस वजह से आ रहे हैं, और ये जो इसकी जो कीमत कम हुई है क्यों हुई है, बहुत सारी सवाल हैं हम जानते हैं। तो सबसे पहले आप बताइए, तो क्या नाम है आपका? जाकिर कुरैशी। क्या पहले में और अब में क्या है, मतलब कितनी तेजी से आपकी चिकन बिक रही है? बहुत फर्क पड़ गया, धंधा बिल्कुल नहीं है। लोग खामा का डर रहे चिकन वायरस, इसमें कोरोना वायरस इसमें बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम महीनों से काम कर रहे हैं, हमें होना था, हमें तो हुआ ही नहीं। लोग खाने से डर रहे हैं और पहले से धंधे पे बहुत फ़र्क पड़ा है। और ये जो भाव है, ये भाव में इससे पहले जब मनी मार्केट टाइट होता तो माल सस्ता आता था, हम 3 बजे तक दुकान बंद करके चले जाते थे, लेकिन 10 बजे तक बैठ रहे 100 मुर्गी बिकना मुश्किल है हमारी। आप इतना रेट भी कम कर दिया है, 40 रुपये किलो जो है आपने लगाया है, उसके बावजूद मतलब जो है आपके यहाँ पे चिकन लेने के लिए मतलब लोग नहीं आ रहे? लोग डर रहे आने के लिए यहाँ पे, कोरोना वायरस है बोल के। देखिए, ये जो दुकानदार है, इनका कहना है कि इसके पहले इनकी काफ़ी अच्छी जो है बिकती थी, यहाँ पर जो है लाइन लगकर जो है बिकती थी, यहाँ पे चिकन जो है लोग खरीदते थे, लेकिन अब जो है 40 रुपये 50 रुपये करने पर भी लोग जो है चिकन खाने से कतरा रहे हैं। एक और भाई साहब हैं, हम उनसे भी जानते हैं, क्या रेट है? 60 रुपये किलो है। 60 रुपये जी। तो ये जो चिकन आप रख रहे हैं, इसके पहले भी आपको रखना पड़ता था? जी जी, रखना पड़ता था। पहले में और अब में कितनी मतलब तेजी है चिकन आप लेकर जा रहे हैं? बहुत लोग लेके जा रहे हैं जी। तो देखिए, सभी को, सभी दुकान वाले जो है तरह तरह की बात कर रहे हैं वो अपने तरह से, लेकिन जो दहशत है लोगों में, लोग आज दहशत फैला दिए हैं, ऐसा सरकार भी कह रही है, अजीत पवार साहब भी कह रहे हैं जो है दहशत फैला रहे लोग। लेकिन यहाँ पर जो है अभी अंडा, चिकन, मटन पर जो है लोगों ने जो है अफवाहें उड़ा दी है कि चिकन मटन खाने से कोरोना वायरस होता है। फिलहाल जो जानकारों की माने तो ये कोरोना वायरस चाइना से निकला, और ये चाइना से जो भी लोग सफ़र करके आ रहे हैं वो उनके थ्रू फैल रहा है। फिलहाल महाराष्ट्र में 9 लोग जो है कोरोना वायरस से पीड़ित हैं। मैं लगातार हर दुकानदार से बात कर रहा हूं जो है चिकन के, जिनके शॉप है, दुकान है, जो उन्होंने रेट तो पहले से ही लिख कर रख दिया है, 40 रुपये 30 रुपये किलो के भाव से जो है। अब वो उनका मानना है कि वो कैसा मतलब वो चिकन दे रहे हैं, अक्खा दे रहे हैं, जैसा यहाँ पर अक्खा भी कहते हैं, मतलब वो खड़ा मुर्गा, और जो है जो काट कर देते हैं उसको, उसका रेट अलग है। हम इनसे जानते हैं जो है, सबसे पहले तो आप ये बताइए, क्या नाम है आपका? तौफीक। आपका ये दुकान है? हाँ, मेरे मामा का है। अच्छा। हाँ, तो ये चिकन जो है मतलब कितनी तेजी से आपके पास जा रही है, लोग चिकन लेने के लिए आपके पास आ रहे हैं? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह पहले से ज्यादा ही माल बिक रहा है, सस्ता है, तो पब्लिक 1 किलो की जगह 3 किलो लेके जा रही है। अच्छा, सस्ता क्यों हुआ? सस्ता एक्चुअली चिकन में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ये लोगों के माइंड का प्रॉब्लम है कि लोगों को लग रहा है कि कोरोना आ गया है, इस वजह से। खाली जहाँ तक मेरी जानकारी के मुताबिक मुंब्रा और कुर्ला में ही माल बिक रहा है, इसके अलावा महाराष्ट्र के राज्य में बहुत कम जगह माल बिक रहा है, खाली 2 जगह माल बिक रहा है। महाराष्ट्र के राज्य में जितनी जगह माल जाना चाहिए वो माल नहीं जा पा रहा है, सिर्फ इधर ही खा रहा है। बाकी अभी लोगों को क्या कुछ है प्रॉब्लम है, खाली माइंड का प्रॉब्लम है कि भाई कोरोना है। आपने 40 रुपये रेट कर दिया है किलो के पीछे जो है, तो उसमें अब आपको कितना बचता रहेगा 1 किलो के पीछे? माल रेट ज़्यादा रहे या कम रहे, हमारा एक पर्टिकुलर रहता है 10 रुपये मार्जिन, उतना ही मार्जिन रहता है। अच्छा। ऐसा नहीं कि माल का वो भी आ रहा है तो कितना भी है, 10 रुपये मार्जिन से ज़्यादा रहता नहीं हमारे को।
तो ये थे दुकानदार जो है ये बता रहे थे कि जो है इनको जो है मार्जिन मिलती है, चाहे जितना ही सस्ता हो जाए लेकिन इनकी जो मार्जिन मिलती है। और लोग जो है पहले से काफ़ी जो है दहशत में है कोरोना वायरस को लेकर, पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। कोल्हापुर में तो जो है वहाँ पर जो है माइक लगा कर चिल्ला चिल्ला कर 100 रुपये में 4 मुर्गियाँ दे रहे हैं, लोग ले रहे हैं। तो जैसा कि मैं लगातार आपको जो है दिखा रहा हूँ, कई ऐसे मुर्गी के दुकान पर जाकर जो है लोगों से बात कर रहे हैं हम, जो माहौल है, माहौल क्या है कोरोना वायरस को लेकर, जो देश में जो सनसनी फैली हुई है कि आखिर में मुर्गी और अंडे मटन में जो है मटन को खाने से इन सारी चीज़ों को कोरोना वायरस होगा। तो ये कहीं ना कहीं जो है लोग इससे कितना बच रहे हैं और कितना इससे जो है लोगों पर असर पड़ा है, यहाँ तक जो है लोगों पर काफ़ी असर पड़ा है। जो व्यापारी हैं, जो चिकन मटन के व्यापारी हैं, यहाँ तक जो फार्म वाले हैं उनको भी काफ़ी असर पड़ा है। जिस तरह से ये अफवाहें उड़ी है तरह तरह की कोरोना वायरस मुर्गी मटन से, तो आज इसी को लेकर हम आज ऑपरेशन कर रहे हैं। आज दुकान दुकान पर जाकर जो है लोगों से बात कर रहे हैं, जो चिकन मटन के जो शॉप खोल कर बैठे हैं हम उनसे भी पूछ रहे हैं कि आखिर में ये 40 रुपये 50 रुपये किलो अचानक में आना और उसके बावजूद जो है लोग यहाँ से लेकर नहीं जा रहे हैं, जबकि ये मुस्लिम इलाका है, काफ़ी जो है अहम जो है इलाका है यहाँ पर। और जहाँ तक जो जानकारी आ रही है कि मुर्गी और चिकन जो है मुस्लिम इलाके में ही थोड़ी बहुत चल रही है, बाकी इलाकों में बंद हो चुकी है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि चिकन मटन अंडे खाने से कोरोना वायरस नहीं होता है, क्योंकि वो चाइना से जो निकल कर आया है एक अफवाह बन चुकी है। चाइना में जो लगभग 3000 से ज़्यादा जो है लोगों की मौत हुई है, उसके बाद जो है ये अफवाहें फैलती हुई चली आई। हालांकि 50,000 से ज़्यादा की आंकड़े बताए जा रहे हैं, लेकिन अंदरूनी जो आंकड़े हैं ये 50,000 के हैं, 3000 सरकारी आंकड़े हैं। अब महाराष्ट्र में 9 लोग जो है जो इससे कोरोना वायरस से पीड़ित थे उन पर यह असर हुआ है। और महाराष्ट्र में जो है यहाँ महाराष्ट्र के कोल्हापुर में जो है वहाँ पर जो दुकानदार हैं, जो फार्म हाउस वाले हैं, वो बुला कर 100 रुपये की 4 मुर्गियाँ थमा रहे हैं माइक पर, स्पीकर पे, उसके बाद भी लोगों में काफ़ी डर है। अब हम जानते हैं दुकानदार से कि पहले और अब में कितना फर्क आया है। बहुत लाइन लग रही है माशाल्लाह, 500-600 मुर्गी हम लोग बेच रहे रोज का, ऐसा कोई बीमारी का कोई इशू नहीं है। कुछ फर्क पड़ता दिखाई दे रहा है आपको? कुछ भी फर्क पड़ता नहीं दिखाई। कितने रुपये किलो में बेच रहे हैं? अभी 40-50 रुपये किलो बेच रहे हैं हम। और इसके पहले और कितने रुपए किलो तक बेचे आप? 30-10 रुपया तक भी बेचे हमने। ये कोरोना वायरस आने से पहले आपके दुकान की रेट कितनी थी? सभी दुकानदारों की जो माहौल था, जो हाल था, वो कितने रुपए किलो था? 160 रुपये किलो था। अच्छा, और ये अचानक में कब से ऐसा हुआ? ये अभी 20-25 दिन हो गया है। असर पड़ गया। तो ये 40 रुपये किलो आप जब दे रहे हैं तो आपको प्रॉफिट किस तरह से हो रही है? हमारे को तो प्रॉफिट हो रहा है, मुर्गी वो जो भर रहा है उनको भी प्रॉफिट हो रहा है, नुकसान सिर्फ फार्म वाले को हो रहा है। अच्छा, इसमें नुकसान फार्म वाले को है। अच्छा, और भी चिकन वाले हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। जो है हमारे साथ यहाँ पर है, क्या नाम है आपका? मोहम्मद सरताज। कितने रुपए किलो मुर्गी बेच रहे हैं? 50 रुपए किलो। 50 रुपए किलो कब से हो गया? 10-15 दिन हो गया। 10-15 दिन से 50 रुपए किलो बेच रहे हैं। तो जो ग्राहक है वो जो है किस तरह से आपके पास आ रहे हैं, मतलब वो आ रहे हैं? आ रहे हैं दादा। जो आ रहा है लेने के लिए वो कितना लेकर जा रहे हैं आप? 4 किलो 3 किलो 5 किलो ऐसा। ऐसा क्यों? अभी सस्ता हुआ इसके वजह से खा रहे पब्लिक। तो सस्ता हुआ आप लोग का फायदा हो रहा है? नहीं, उतना तो ज़्यादा फायदा नहीं, ज़्यादा सबसे ज़्यादा तो नुकसान फॉर्म वाले लोग का होता है। हम लोग का जैसा रहता था चलता है, अभी थोड़ा बहुत निकल रहे हैं। अच्छा, तो मतलब जो अभी फिलहाल देखा जा रहा है कि आपकी मुर्गियां बहुत सारी ऐसी पड़ी हैं, तो ये वजह क्या रही है? इसके पहले भी पड़ी रहती थी? नहीं, इतना तो ऐसा नहीं रहता था। अच्छा, पहले 60-70 कोरोना वायरस का असर है। हाँ। अच्छा, तो ये देखिए दुकानदार हैं, काफ़ी हिचक रहे थे बोलने के लिए, बहरहाल उन्होंने बोला है। हाँ, लेकिन जिस तरह से ये माहौल है और यहाँ पर अब सस्ताई होने की वजह से जो लोग इससे, कुछ लोग ऐसे हैं कि कोरोना वायरस को दूर रखकर जो है बड़ी तेज़ी से चिकन मटन खा रहे हैं, और कुछ लोग जो इसके दहशत में जी रहे हैं वो अंडा चिकन मटन सब छोड़ चुके हैं। तो बहरहाल मैं लगातार जो है लोगों से बात कर रहा हूं, दुकानदारों से बात कर रहा हूं। दुकानदार का कहना है हमारा तो जैसे तैसे फ़ायदा है, लेकिन फार्म हाउस जो चला रहे हैं, जो मुर्गियाँ पालते हैं, उनका काफ़ी नुकसान है।
और जो है एक समय था इस कौसा मार्केट में यहाँ पर मुर्गियों यानी चिकन लेने की लाइन लगती थी, लेकिन आज जो है यहाँ सन्नाटा पसरा हुआ है और इसका कारण वही है जो आप जानते हैं, कोरोना वायरस। तो मैं यहाँ के जो है जो मुर्गी के जो मालिक हैं, जो चिकन के मालिक हैं, जो शॉप के, हम उनसे जानते हैं कि जो है क्या माहौल है। जो पहले 1 किलो लेता था वो अभी 10 किलो ले रहे हैं, बट क्या है इसमें कुछ है नहीं, इसे वायरस से कोई लेना देना है ही नहीं है, बस उसका खौफा है इसलिए। लेकिन फिर क्यों लोग दहशत में है, क्यों नहीं आ रहे हैं आपके वो सब है नहीं वायरस, वायरस का खौफा आ रहे हैं, पहले से ज़्यादा सेलिंग हो गए और भी बिक रहे हैं। बचत नहीं है, नहीं बच रहे, पैसे नहीं बच रहे, पैसे बच रहे अल्हम्दुलिल्लाह, जितना पहले बचता था आज भी उतना ही बचता है। उससे चिकन से कोई वास्ता है ही नहीं कोरोना वायरस का, जिसको नहीं खाने का नहीं खाता है, जिसको उसका डर है नहीं खा रहा है, जिसको नहीं डर है वो खा रहा है। मतलब फर्क पड़ा है, लेकिन हाँ फर्क तो पड़ा है। तो आपने जो है मास्क नहीं लगाया है? मास्क नहीं लगाया जब हमको मालूम है कुछ इसमें है ही नहीं, सुबह से शाम में इसी में पड़े रहे। वायरस आपको पकड़ लिया तो काय को पकड़ लेगा जब है ही नहीं है, मालूम है ना, अगर रहता तो कुछ ना कुछ तो मालूम पड़ता ना, इतने दिन से काट रहे कुछ असर होता ना, कुछ नहीं है, चिकन से कोई लेना देना है ही नहीं है, अफवाहें ज्यादा उड़ गई। हाँ अफवाहें ज्यादा उड़ गई। देखिए ये दुकानदार है जो है वो कह रहे हैं जो है कि मास्क लगाने का कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि कोरोना वायरस है ही नहीं। मैं जो है लगातार जो है हम लोग हमेशा से जो है इसी मुर्गी को काटते हैं और हम इसी को ही खाते हैं रोज़ और दूसरे को खिलाने से पहले। तो ये तरह तरह के लोगों की जो है अंदाज है, लोगों की बात है, यानी पूरी तरह से ये अफवाह जो उड़ रही है सोशल मीडिया पे। और सबसे बड़ी बात तो ये है इस चिकन मटन की जो है कई ऐसे दुकान मुमरा कौसा में बंद हो चुके हैं क्योंकि इसकी जो रेट वो कम हो गई है, लोग दहशत में जीने लगे, लोग ख़रीदना कम कर दिए, लोग खाना कम कर दिए, इसके बाद से ही जो है जो दुकानदार हैं वो भाड़ा कैसे भरेंगे, बहुत सारी बातें हैं उनकी, वो मामला है, लेकिन दुकान बंद हो चुके हैं। जैसे कि हमने पहले ही कहा कि जो 100 में से 50% ग्राहक अब आ रहे हैं, लेकिन जो 50% है वो इस तरह से ले जा रहे हैं कि शायद इनका पेट भर रहा है दुकानदारों का। लेकिन अब यहाँ पर हमारे साथ एक ऐसे जो है शख्स हैं जो व्यापारी हैं, चिकन के व्यापारी हैं। सबसे पहले आप ये बताइए मुझे कि आप जो है मुर्गियों का धंधा करते हैं, चिकन मटन का आपकी दुकान भी है और आप जो है डीलर भी हैं, लेकिन आपने जो है मास्क क्यों नहीं लगाया? मास्क इसलिए नहीं लगा कि हमको पहले से ये सब चीज़ के अंदर आदत है, हमको कोई बीमारी तो पकड़ रही भी आपको नहीं। आपको कभी ऐसा डर नहीं लगता कि आपको कोरोना वायरस पकड़ेगा? हमारा ये यकीन है कि जिस टाइम मौत आने की है वो बीमारी इसी नहीं कहीं से भी आ सकती है, और उसका एहतियात करना चाहिए। ये नहीं कि भाई कोई बीमारी आ गई तो हमें एहतियात नहीं करेंगे और वो भाई जब मौत आएगी जब आएगी, ऐसा नहीं है, लेकिन वो चीज़ है ही नहीं इसके अंदर, अपना चिकन में वो चीज़ है ही नहीं, तो फिर हम काय के लिए एहतियात करें। ये जो है चिकन पे जो असर पड़ा है ये किसका असर है? ये जो अफवाह है क्या कोरोना वायरस आया है करके, लेकिन ये पूना में और बहुत सी जगह पर इसकी जांच की गई है तो इसी में कुछ पाया नहीं गया है, लेकिन ये ऐसे पब्लिक जो है डर गई है इसीलिए ये असर पड़ा है बाकी, लेकिन जब से पहले जो बिकता था उससे ज़्यादा बिक रहा है, यानी कि सस्ता होगा तो ज़्यादा बिकेगा, तो इसका मतलब कोरोना वायरस नहीं है क्या? सस्ता होगा तो कोरोना वायरस नहीं रहेगा और महंगा रहेगा तो कोरोना वायरस रहेगा। कुछ किस्त मतलब कुछ कमी तो दिखाई दी होगी आपकी, जो आप डीलिंग करते हैं लोगों को माल देते हैं, तो अब उनके पास माल देख रहा हूँ बचा हुआ है, उनके जो पिंजड़े हैं मुर्गियों के उसमें पड़े हुए हैं। इसके पहले ऐसा देखा गया था 1 महीना पहले उनके पिंजड़े में माल तक नहीं रहता था, मुर्गियाँ नहीं रहती थी, अब उनके पास इस तरह रखा हुआ, इसका कारण क्या है? आपने कहाँ पर देखा क्या माल बचा हुआ है? बहुत सारे हमने अभी तक जो है कई ऐसे जो है मुर्गी, हाँ मुमरा कौसा की हम बात, हाँ वो एक्चुअली अगर आप जब दोपहर के टाइम जाएंगे या सुबह के टाइम जाएंगे तो आपको माल दिखेगा, शाम तक के अगर आप 8-9 बजे तक जाएंगे तो पिंजरे में एक भी मुर्गी नहीं दिखती है। देखा जा रहा है कि जो है बहुत सारे जगहों पर हिंदू जो इलाका है वहाँ पर चिकन मटन की दुकानें बंद हो चुकी हैं, ये सिर्फ मुस्लिम इलाकों में चल रहा है? हाँ मुस्लिम उनको डर हो चुका है, पता नहीं कौन सा पुराना जो वीडियो है लोग व्हाट्सएप पर डालते हैं, यूट्यूब पर डालते हैं। अभी एक वीडियो आया था कल्याण में, बोलते एक आदमी जो है गाड़ी पे 100 रुपये की 3 मुर्गी बेच रहा है, उसको पता करे तो भाई वो कोल्हापुर का, हाँ कोल्हापुर का, जो
ये जो डाला है पेटा जो कलीजी रहता है ख़राब हो गया मुर्गी, ये भी जो बताया बहुत पुराना वीडियो था, वो भी कोल्हापुर का आदमी था। फिर उन्होंने जो ये फार्मर्स है जो कंपनियां है लोग ने उसकी बोले कि भाई इसकी के इसके ऊपर केस किया जाए, इसकी जांच किया जाए, कौन कर रहा है करके ऐसा। कोल्हापुर से जो है एक मतलब जो फार्म हाउस वाला है उसने जो है गाड़ी में लाद कर मुर्गियों को अक्खा मुर्गी और वो जो है 100 रुपये का चार जो है दे रहा है और माइक पे चिल्ला चिल्ला कर, तो ये जो है आज वीडियो वायरल हो रही है, मतलब ये मतलब इससे कितना लोग डर रहे हैं। अभी मेरा सब में पहली बात तो ये बोलने का मतलब है कि अगर इसके अंदर बीमारी है तो सरकार यहाँ तक इसको आने ही नहीं देगी। जब चीन के अंदर ये चीज़ की बीमारी है और इससे खौफ और डर पैदा हुआ है तो आदमी को मारा जा रहा है, जिंदे आदमी को मारा जा रहा है वहाँ पर, तो ये चिकन तो उसके अपना इंसान से तो बढ़कर नहीं है, तो फिर चिकन यहाँ तक कैसा आ रहा है? सब में बड़ा सवाल मेरा यह है, इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान कंपनी का हो रहा है। कंपनी बोले तो जहाँ से जो मुर्गी आ रही है ना, जैसे अभी शगुना है, वेंकेश है, जो भी बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं उनका अभी फिलहाल वक्त में नुकसान हो रहा है। तो ये थे जो है हमारे जो है समीर गोरे साहब, जो डीलर हैं, दुकान भी है इनकी, और इन्होंने बहुत सारी बातें बताई है जो है कि नुकसान अगर किसी का हो रहा है तो वो जो है फार्म हाउस का हो रहा है, दुकानदारों का तो जितने में उनको मिलेगा उससे 2-4-10 रुपये किलो के पीछे वो कमाते हैं। और लेकिन ये एक बड़ा सदमा भी है कि जो है जिस तरह से कई दुकानें चलती थी मुमरा कौसा में, अब वो जो है 50% दुकानें भी बची हैं, और जो है इसी डर से, क्योंकि लोग जो है कोरोना वायरस का डर उनको दिलों में ज़्यादा फैल चुका है और वो जो है दुकानें बंद कर चुकी हैं, क्योंकि उनके पास तरह तरह की बातें भी हैं कि वो भाड़ा कहाँ से भरेंगे और घर कैसा चलाएंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसीलिए कोरोना वायरस के डर से लोग जो है अब मतलब दुकानें भी बंद कर चुके हैं। लेकिन जो 50% तबका है, 100 में से 50% तबका जो मुस्लिम इलाकों में काफ़ी तेज़ी से चिकन मटन खा रही है, यहाँ तक 4-4, 5-5 किलो दुकानदारों का कहना है लेकर जा रही हैं, पहले से जो उनकी बिक्री है वो तो हो ही रही है, लेकिन उस तबका जो ऊंची तबका है वो छोड़ चुकी है, जो निचली तबका है वो काफ़ी तेज़ी से खा रही है, जो गरीब लोग हैं वो खा रहे हैं जो है चिकन। बहरहाल दुकानदारों का ये भी कहना है कि चिकन मटन और अंडे से बीमारियां नहीं है, वायरस नहीं फैलता है, ये वायरस तो चीन से निकला है, और चीन के जो लोग थे जहां, अब जैसा आप मान लीजिए चीन में जो है अपने कई देशों से, खाली सिर्फ भारत देश ही नहीं कई देश के लोग वहां रहते थे, और उसके बाद जब वो भागना शुरू किए, जब अपने स्टेट अपने देश में जाना शुरू किए, फिर उसके बाद जो है वहां पे कहर बरपा है। अभी महाराष्ट्र में हमने पहले ही बताया कि 9 लोगों को जो है इस कोरोना वायरस से पीड़ित है, 9 लोग, और जो है दिल्ली में, राजस्थान में, कोल्हापुर, कर्नाटक में इसी तरह से लगभग 62 लोग पीड़ित हैं कोरोना वायरस से। लेकिन दहशत से भरा ये सवाल है, और इसीलिए हम निकले थे माहौल क्या है जानने के लिए, मुर्गी के दुकानदारों से, डीलरों से हमने अभी आपसे बात कराई है, अभी हमने आपने उनकी बात सुना है, डीलर का क्या कहना है, मुर्गी के दुकानदारों का क्या कहना है। बहरहाल इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।